खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सब दूर से आए हुए, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए, आपके इस स्नेह के कारण अच्छों की घबराहट, उनका बीपी तेज हो गया होगा, वो बौखलाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने तो देश की सुरक्षा, वंशवाद, भ्रष्टाचार, उन बातों को लेता हूं और दूसरी तरफ विकास की चर्चा करता हूं, लेकिन कुछ लोगों को जैसे ही मैं वंशवाद बोलता हूं, भ्रष्टाचार बोलता हूं, देश की सुरक्षा की बात करता हूं, तो मैं बोलता यहां हूं और उनको बिजली का करंट वहां लगता है और फिर करंट लगता है तो कैसा मुंह से कुछ न कुछ निकलता है, ऐसा उनके मुंह से भी गाली गलौज। ये दौर चुनाव के पहले दो चरण के बाद तो ये जरा और तेज हो गया है। पहले दिन में 50 गाली देते थे, अब 100 दे रहे हैं। पहले ऊंची आवाज से बोलते हैं, अब चिक चिक करके बोल रहे हैं। और उसका कारण क्या है मालूम है? पहले दो चरण के मतदान ने देश भर से जो संदेश आ रहे हैं, इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। साथियों, साल 2014 में महायुति भारतीय जनता पार्टी एनडीए की एक मजबूत सरकार बनाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके आशीर्वाद के ही असर है कि आज दुनिया भर में भारत की साख नई ऊंचाई पर है। अब कोई भी भारत को आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचता है। ये आपको सही लगता है मेरी बात? मैंने जो कहा वो सही लगता है आपको? मेरी बात में भरोसा है? आपको अगर याद होगा तो 2013-14 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, पहली बार देश के सामने अपनी बात लेकर के गया था, तो सारे देश में और खास करके हमारे दिल्ली में एक जमात है, वो बैठ करके दिन में एक सरकार बनाते और दूसरे दिन गिराते हैं, तो उनके खेल चलते रहते हैं। तो जैसे ही मेरा चुनाव लड़ना तय हुआ तो उन्होंने एक एजेंडा सेट किया, मोदी जहां जाएगा कोई भी इंटरव्यू करेगा तो उसको पूछेंगे कि तुम्हें विदेश नीति तो मालूम नहीं है, तुम गुजरात के बाहर कुछ जानते नहीं हो, ये दुनिया के लोगों से तुम कैसे बात करोगे, देश की विदेश नीति का क्या होगा, दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत का क्या होगा, ये सवाल मुझे पूछते थे। तब मैंने कहा, देखो भाई, मैं ज्यादा बहुत तो जानता नहीं हूं, नया हूं, सीखने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं इतना वादा करता हूं कि हम न आंख झुकाकर बात करेंगे, न आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। ये मैंने 2013-14 में कहा था। उस समय शायद मेरी बात लोगों को लगा होगा, यार मोदी ने बड़ा शानदार डायलॉग मारा, ऐसा लगा होगा, लेकिन आज 5 साल के बाद क्या हर हिंदुस्तानी दुनिया के 7 फुट वाला इंसान होगा तो भी
चबड़ी का रंग कोई भी होगा तो भी आंख में आंख मिलाकर के बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, न सिर्फ सरकार, हर हिंदुस्तानी सीना तान करके खड़ा हुआ है। ये कैसे हुआ? ये इतना बड़ा दुनिया में जय जयकार कैसे हुआ? क्यों इधर कुछ हो नहीं रहा है? ये महिलाएं उधर देख रही हैं। ये कैसे हुआ? मोदी 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 आप कर रहे हैं, मोदी ने नहीं किया है, ये आपके एक वोट की ताकत है, वोट की ताकत। आपने सही बटन दबाया, दुनिया के सामने हिंदुस्तान ताकत बन के खड़ा हो गया। ये ताकत है आपके वोट की, ये आपके एक वोट की ताकत है कि आज भारत अपने सामने मौजूद चुनौतियों का डट करके मुकाबला कर रहा है। आप पिछले एक हफ्ते की घटनाओं को देख लीजिए, इस दौरान आसपास के देशों में कई बम फूटे, कल भी श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, सैकड़ों लोग मारे गए और वो भी ईस्टर के पवित्र दिन, जब चर्च में लोग इकट्ठे होकर के दिव्यात्मा की अनुभूति कर रहे थे, दिव्यात्मा में लीन थे, शांति का संदेश दे रहे थे, तब नर राक्षसों ने आकर के उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनका कोई गुनाह नहीं था, कोई दोष नहीं था, वे अपनी आस्था के अनुसार दिव्यात्मा का स्मरण करते हुए उसके रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे थे। साथियों, आप याद कीजिए, 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी? आए दिन देश के अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कभी मुंबई में बम धमाका, कभी पुणे में बम धमाका, कभी हैदराबाद में बम धमाका, कभी काशी में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका, होता था कि नहीं होता था? और तब यहां कांग्रेस और एनसीपी की सरकार और अपने बड़ा खैरखा मानने वाले लोग यहां बैठे थे सरकार में, बड़े अनुभवी बताने वाले बैठे थे। सरकार क्या करती थी भाई उस समय? बम धमाके होते थे, क्या करते थे लोग? श्रद्धांजलि सभाएं करते थे और क्या करते थे? शोक मनाते थे। उनकी सरकार दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम पर रोती रहती थी, देखिए पाकिस्तान हमारे देश में आके ऐसा करता है, देखिए पाकिस्तान हमारे देश में ऐसा करता है। लेकिन आपके इस चौकीदार ने क्या किया? आपके इस चौकीदार ने कांग्रेस एनसीपी सरकारों की इस डरपोक रीति नीति को बदल दिया। हमने आतंकी फैक्ट्री में घुसकर बिना किसी भेदभाव सफा चट करके आ गए। परिणाम आपके सामने है। आज आतंकवाद जो कभी हिंदुस्तान के हर कोने में बम धमाका करने की ताकत रखता था, धीरे धीरे सिकुड़ता जम्मू कश्मीर के कुछ ही क्षेत्र में सिमट गया है और वहां भी
कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है कि हमारे जवानों को खोज करके रात भर गोलियां चलाते हैं और सुबह होते होते खेल पूरा कर देते हैं। आज हर आतंकी को पता है कि अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो ये मोदी है, ये उन्हें पाताल में भी खोजकर सजा देगा और उनको उनको उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेगा। भाइयों और बहनों, आपने जो मजबूत सरकार 2014 में बनाई थी उसने सुरक्षा की गारंटी तो दी ही थी, विकास का झंडा भी बुलंद किया है। हमारी सरकार ने देश के विकास को दो पटरियों पर एक साथ चलाया है। एक, सामान्य मानवी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, और दूसरा 21वीं सदी के लिए जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं, विश्व स्तर की व्यवस्थाएं खड़ी करना चाहते हैं, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। एक तरफ हम देश के हर गरीब परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर 3 संसदीय सीट के बीच में एक मेडिकल कॉलेज और एक बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के गांवों में 1.5 लाख, हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख करीब करीब गांव है, 1.5 लाख गांवों में आधुनिक वेलनेस सेंटर बना जा रहे हैं, यानी 4 गांव के बीच में एक बड़ी व्यवस्था, इसका एक बहुत बड़ा अभियान हम चला रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र भी ऐसे जहां शुरुआती जांच हर प्रकार की हो जाए और फिर अगर जरूरत पड़े बड़े अस्पताल में जाने की आवश्यकता है तभी उसको जितना जल्द हो सके पता चले जाए और उसको बड़ी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ताकि 3 महीने के बाद पता चले, 4 महीने के बाद पता चले बीमारी का, और तब तक बहुत कुछ खो चुका हो, ऐसी परिस्थिति पैदा न हो। ये काम हम शुरू कर रहे हैं, कई गांवों में काम हो चुका है। साथियों, एक तरफ हम तेज गति से गांव गांव में सड़कें बना रहे हैं, वहीं देश के हर घर को रोशन करने के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दे रहे हैं। एक तरफ हमने हर गरीब के बैंकों में खाते खुलवाए और दूसरी तरफ बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए खोल दिए। बिना गारंटी के ऋण आज स्वरोजगार के लिए आसानी से उपलब्ध है। एक तरफ हम डिजिटल लेन देन के लिए देश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब गांव गांव में, डाकघरों में भी, बैंकों में हम बदलाव ला रहे हैं। डाकिये के माध्यम से बैंक की सेवाओं को भी गांव गरीब के दरवाजे पर खड़ा कर रहे हैं। अरसे बाद डाकियों के वेतन में भी उचित वृद्धि का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं साथियों, एक तरफ हम भारतमाला और सागरमाला के माध्यम से दोगुनी गति से हाईवे का विस्तार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम
उड़ान योजना के माध्यम से नासिक जैसे शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। साथियों, नासिक सहित पूरे महाराष्ट्र में समंदर के किनारे जो बंदरगाह से कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नासिक को ड्राई पोर्ट की सुविधा भी मिलनी तय है। नासिक, जालना, वर्धा और सांगली में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं। इनसे व्यापार की सुविधा होगी, उद्योग कारखाने लगेंगे, फूड प्रोसेसिंग सेंटर के लिए नए रास्ते खुलेंगे, अंगूर जैसे फलों के एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी और युवाओं को नए अवसर भी मिलेंगे। साथियों, देश के हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ये प्रयास हमने किया है। किसान हो या फिर आदिवासी, जीवन के हर चरण के लिए कुछ ना कुछ किया है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए देश भर में एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं के खेल कौशल को निखारने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में खेल से जुड़ी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। आदिवासी हस्तशिल्प का प्रचार प्रसार करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को मजबूत किया गया है। आदिवासी साथियों की कमाई के लिए वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। वन उपजों का अधिक मूल्य मिले इसके लिए वन धन केंद्र खोले जा रहे हैं। भाई और बहनों, अपने अन्नदाता, अपने किसानों के लिए हमारी सरकार ने बीज से बाजार तक एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने का प्रयास किया है। 22 फसलों का लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। यहाँ के किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि से भी मदद मिलने का रास्ता खुला है। अनेक किसान परिवारों के खाते में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। जिनको अभी नहीं मिले हैं उनको भी मिलना तय है। अब तो हमने फैसला किया है कि 23 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले। कल 23 अप्रैल है, मैं 23 मई की बात कर रहा हूं। 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, फिर एक बार 23 मई के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो महाराष्ट्र के सभी किसानों को भी इस मदद पहुंचाई जाएगी। अभी जो 5 एकड़ की जमीन का नियम है वो शर्त भी हटा दी जाएगी। साथियों, यहां के प्याज की खेती करने वाले किसानों की सुविधाएं बढ़ाने पर भी सरकार का जोर है। सरकार द्वारा स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने और प्याज के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले खर्च को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं मंच पे पूछ रहा था, क्योंकि मैं गुजरात में था तो मेरा महाराष्ट्रीय परिवारों में भोजन के लिए जाना आना जरा ज्यादा होता था, तो साल में एक दिन वो एक त्योहार मनाते थे और उस त्योहार के दिन सबके सब लोग कांदा खाते थे, प्याज खाते थे, हर चीज प्याज की बनती थी पूरा दिन। तो उस दिन मैं खास मराठी परिवार में जाता था, तो मैं अभी इनको पूछ रहा था कि भाई यहाँ तो किसी ने कहा कोई चंपा सस्ती बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन देखिए समाज की व्यवस्था, एक साथ प्याज को मार्केट देने का कैसा बढ़िया तरीका था। पूरे एक दिन में सभी लोग प्याज खाते थे और उसका परिणाम यह था कि प्याज को बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता था। ऐसी एक परंपरा खड़ी हुई थी, यानी हमारे पूर्वज कितने समझदार और दीर्घ दृष्टा थे। क्योंकि मुझे गुजरात का अनुभव है,
और आदिवासियों में तो हमारे यहाँ और आपके यहाँ पड़ोस में ही लोग हैं, ये अक्सर होता है। कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था में भी कृषि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इसका विशेष महत्व था। भाइयों बहनों, मुझे पिछले दिनों जो पार्लियामेंट में आपके सारे विधायक और आपके एमपी हमारे सब मिलने आए थे और प्याज एक्सपोर्ट करने के विषय में विस्तार से मेरे से चर्चा की थी और जितने सुझाव दिए थे सारे मैंने लागू कर दिए थे। प्याज का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। साथियों, कांग्रेस में आपको कांग्रेस की एक चालाकी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये चालाकी ये है कि बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए फसलों की कीमत से खेल करना। आपने देखा होगा भाइयों, जैसे ही महंगाई जरा भी बढ़ती है कांग्रेस अपने दरबारियों को मध्यम वर्ग की गृहिणियों के पास बेच करके इंटरव्यू करवाती है और फिर वो चिल्लाती हैं, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, और पूरे देश में चला देते हैं। उस वक्त उसे किसान याद नहीं आता है। और अगर दाम गिर जाते हैं, प्याज के दाम कम हो गए, टमाटर का दाम कम हो गया, तो फिर क्या करते हैं, किसान के पास पहुंच जाते हैं और टीवी पर उनकी बाइट लेते हैं और किसान कहता है देखो हम लूट गए लूट गए। ये ऐसे बदमाशी करते थे। महंगाई बढ़ी तो हाउसवाइफ को पूछो, अगर प्याज आलू टमाटर का दाम गिरा तो किसान को पूछो, लेकिन जो बिचौलिए जो माल खा जाते हैं उनकी बात छुपा देते थे। और आपकी मुसीबत का कारण उपभोक्ता नहीं है, वो तो आवश्यक पैसे देने के लिए हमेशा तैयार होता है। आपकी मुसीबत का कारण किसान का पसीना नहीं है, आपकी मुसीबत का कारण ये बिचौलिए हैं, बिचौलिए। और मोदी ने लड़ाई जो लड़ी है ना, ये बिचौलियों के खिलाफ लड़ी है। इतने वर्षों के राज में कांग्रेस ने किसान और उपभोक्ता के बीच सीधा संबंध बनने ही नहीं दिया। अब हमारी सरकार बिचौलियों के राज को खत्म करने के लिए काम कर रही है। जैसे डेयरी सेक्टर में सहकारी संगठन होते हैं, वैसे ही अन्य कृषि सेंटरों में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बनाए जा रहे हैं। देश में 22,000 से ज्यादा ग्रामीण हाटों को विकसित किया जा रहा है। ये काम किसानों और ग्राहकों के बीच की दूरी को खत्म करेंगे और किसानों को उसकी मेहनत की उचित कीमत मिलेगी। साथियों, मुझे बताया गया है कि कांग्रेस यहां नदियों के पानी को लेकर के तरह तरह की अफवाह फैला रही है, लोगों से झूठ बोल करके उन्हें गुमराह करके वोट पाने का एक कांग्रेस का बहुत पुराना तरीका है। मैं इस क्षेत्र के लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा और न ही कुछ कर पाएगा, ये मैं आपको सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं। इसलिए जो कांग्रेस अफवाहें फैला रही है, इतना ही नहीं एचएल के लेकर अफवाहें फैलाए रहे, अरे तुमने तो उसका गला घोंट दिया, सारे एचएल को खत्म कर दिया। हमने मेक इन इंडिया के तरह डिफेंस के हर चीज के उत्पादन बढ़ा दिया है, नए नए डिफेंस कॉरिडोर बना